हेलो नमस्ते, वेलकम यू ऑल, स्वागत है आप सभी का, जय हिंद, राम राम। कैसे हैं आप लोग? जी हाँ, हम आ चुके हैं फिर से लेकर आपके लिए एक और शॉर्ट ट्रिक का घमासान सेशन। जी हाँ, जादुई मंत्रों की सीरीज हमने शुरू की है, सीरीज का आज पार्ट टू मैं लेकर आया हूं आपके लिए, तो हो जाओ तैयार। क्या आप हो गए तैयार? आर यू रेडी? तो चलिए शुरू करते हैं आज के अध्याय को। ये सीरीज हमने शुरू की है बेसिकली मंत्रों की। जी हाँ, शॉर्ट ट्रिक्स का ये सेशन है, हाउ टू इंप्रूव योर कैलकुलेशन, हाउ टू इंप्रूव योर स्पीड, और इन्हीं सब बातों के जवाब आपको मिलते हैं सीरीज में। तो आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए ट्रिक नंबर दो। तो फटाफट से मैं सभी मेरे चैंपियंस से चाहूंगा कि इन सारी ट्रिक्स को जरूर से आप नोट करिएगा, क्योंकि ये सारी ही ट्रिक्स आपको जनरल मैथमेटिक्स के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे डिफेंस एग्जाम की बात करूं, सभी में ये ट्रिक्स वेरी वेरी यूजफुल साबित होने वाली है। तो आज की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए ट्रिक ऑफ द डे यानी कि सेकंड ट्रिक, मंत्र दो का आगाज करते हैं और शुरू करते हैं हमारी आज की ट्रिक को। जी हाँ, सही सुना, आज की ट्रिक में मैं लेकर आया हूं आपके लिए ऐसे नंबर्स का स्क्वायर फाइंड करना जो पांच पर एंड होते हैं। समझ रहे हैं आप? मतलब जिनका इकाई अंक पांच होता है, आज मैं ऐसे नंबर्स का आपको स्क्वायर करके दिखाने वाला हूं कि किस तरह आप ऐसे नंबर्स का स्क्वायर कर सकते हैं जो पांच पर एंड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, सबसे पहले तो हमारा बब्बू पांच ही आ जाता है। सबसे पहले तो हमारा बेटा पांच ही आ जाता है, जैसे पांच हो गया, उसके बाद 15 हो गया, उसके बाद 25 हो गया, उसके बाद 35 हो गया, उसके बाद 45 हो गया, और काफ़ी सारे नंबर्स ले सकते हैं, जैसे 55 हो गया, 65 हो गया बाबू, 75 हो गया, 85 हो गया, 95 हो गया, और आगे भी बढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है दो डिजिट, आप तीन डिजिट के लिए भी ले जा सकते हैं इसको, 105 हो गया। क्लियर? अगर मुझे इनका स्क्वायर निकालना है, जैसे पांच का स्क्वायर तो दुनिया जानती है भैया 25 होता है सर, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। 15 का स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे? तो करना कुछ नहीं है मेरे लाल, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है आपको, सीधे सीधे ये जो नंबर है इकाई अंक पर पांच, इसका कर देंगे आप स्क्वायर, यानी कि पांच का कर देंगे आप स्क्वायर, जो कि हो जाएगा 25। क्लियर? सिमिलरली इस वाले पांच का भी हम क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे, तो ये भी कितना आएगा? 25 आएगा। अगेन इसका भी हम स्क्वायर कर देंगे तो ये कितना आएगा? तो आप कहेंगे सर ये भी 25 आएगा। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो लास्ट में 25 तो आना तय है, इसे कोई नहीं रोक सकता। इसके बाद अगर मैं बात करूं अब क्या करेंगे गुरुजी, तो अब कुछ नहीं करना बेटा, अब तो कुछ बचा ही नहीं इसमें। देखिए एक है तो आपको कुछ नहीं करना, एक के आगे आता है बाबू दो, तो दो का एक से इंटू कर देंगे, सीधे आ जाएगा यहां दो, खत्म। दो के आगे आता है बाबू तीन, तो सीधे सीधे दो का तीन से इंटू कर देंगे, आ जाएगा छः। ऐसे ही तीन के आगे आता है चार, तो तीन का चार से इंटू कर देंगे, तो आ जाएगा सरकार 12। बड़े प्यार से आगे बढ़ूंगा, चार के आगे आता है बच्चा पांच, तो चार पंजे हो गया 20। बड़े प्यार से आप इस तरह से किसी भी, समझ रहे हैं आप, कैसी लगी थी? सही सही बताना, मजा आ जाएगा। हाँ तो भैया, किसी भी ऐसे दो या तीन डिजिट के नंबर जिनके लास्ट में पांच आता हो, या जिनका इकाई अंक पांच होता हो, जिनका यूनिट डिजिट फाइव होता हो, ऐसे नंबर्स का स्क्वायर यू कैन फाइंड वेरी इजीली बाय दिस अप्रोच। इस तरीके से आप बेहद प्यार से निकाल सकते हैं, लाइक पांच का है तो बड़े प्यार से आंख बंद करके आप इसका आंसर निकाल सकते। कायदे से तो मैं ये कहूंगा कि आप बिना पेन टिकाए एक नजर में उड़ा दोगे। कैसे सरकार? पांच का 25, पांच का आगे 6, तो 6 30 25 आ जाएगा, बेहद प्यार से। आगे बढ़ूं अगर मैं इसकी बात करूं तो ये 42 25 आ जाएगा सरकार, और अगर मैं आगे बात करूं तो 5 का 25 और 7 8 56 25 हो जाएगा, बड़े प्यार से। अगर आगे बात करें सरकार तो 72 25 हो जाएगा, बेहद प्यार से, और अगर आगे बात करें तो 90 25 हो जाएगा सरकार, और आगे बात करें तो भैया 110 25 हो जाएगा, बेहद प्यार से। बोलो क्या कहते हो, मजा आ भी गया या नहीं आया? अगर आ गया है सरकार तो अगला एक क्वेश्चन आपके लिए जरूर देकर जाऊंगा मैं फॉर होमवर्क, कमेंट में इसका रिप्लाई जरूर करिएगा और जरूर बताइएगा ये ट्रिक आपने पहले पढ़ी है, कैसी लगी आपको ये ट्रिक जरूर से बताइएगा। अभी के लिए एक होमवर्क क्वेश्चन देके जाऊंगा मैं आपको, कमेंट में इसका रिप्लाई करिएगा। क्वेश्चन इज 115 का स्क्वायर फाइंड करना है ये आपको, और रिप्लाई करना है इसका कमेंट में।
हर एक मेरा सोल्जर जो इसे देख रहा है वो जरूर से इसका कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करेगा। उम्मीद करता हूं मजा आया होगा। आज की हमारी ट्रिक आपको कैसी लगी, क्या सोचते हैं आप इस ट्रिक के बारे में, क्या सोचते हैं आप सीरीज के बारे में, जरूर से अपना प्यार अपना सपोर्ट कमेंट बॉक्स में दिखाइएगा। तब तक के लिए विदा लेता हूं, मिलूंगा अगली ट्रिक में। तब तक के लिए ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू क्लास।